क्यों सही में? अच्छा क्वेश्चन है क्यों, जब पता है पिछले साल अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड थॉमस पार्टी साउल कोके कि वो रॉबस्ट मिडफील्ड उसके अगेंस्ट एक 20 साल का नंबर 10 4-3-1-2 रिकी पुच खेल रहा अंडर कीके सेतियन और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ब्रेक डाउन कर रहा है, 21 साल का हो चुका है, 75th मिनट पे यू आर नॉट एबल टू ब्रेक एटलेटिको आफ्टर बुस्केट्स की इंजरी, यू ब्रिंगिंग पेद्री ऑफ एंड सर्खी रोबर्टो इन, ऐसा सही में क्या कर दे रिकी पुज ने? जब इसको मडेड में था 2013-14 सीजन में 21-22 साल का, ही वाज लिटरली प्लेइंग मोर मिनट्स देन रिकी पुज इज प्लेइंग राइट नाउ, एंड उस टाइम की मडेड की मिडफील्ड खतरनाक थी, गैलेक्टिकोस भरे पड़े थे एंड ही वाज मेकिंग एन इंप्रेशन। ये सेम सिचुएशन डॉक्सन मेसट ओजिल के साथ होती थी आर्सेनल में, अटेटा से क्वेश्चन पूछे यार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट बोल रहा कि नहीं ये इंजर्ड है, जो भी है यहाँ पे इंजर्ड भी नहीं है, यहाँ पे बेंच पे है, 75 मिनट में 15 मिनट अगर कुछ खेल लेगा, अगर कुछ बाल मार लेगा एक दूसरे, भूल गया फुटबॉल खेलना वो। द प्रॉब्लम इज कि ये बोरिंग डिस्कशन है, ये 7-8 महीने पहले वाला डिस्कशन है, ये ट्रेंड, ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है। अब तो एवरीबॉडी इज लाइक कि पेद्री आ रहा है, लाइक्स मोरी बारा, उनका एक्सजी ज्यादा है रिकी पुज से ना, तो चल ठीक है। इट लुक टू मी कि कॉर्नेला वाली जो बकचोदी थी राउंड ऑफ 32 कोपा दिल रे व्हेन ग्रेजमन मिस्ड द पेनल्टी एंड ही सॉर्ट ऑफ सेव्ड बार्सिलोना, गुदा दिखाई कि मैं पेनल्टी लूंगा, रोनाल्ड कुमन को शक्ल चौंधिया गई थी लिटरली, टुक द पेनल्टी, इट लुक लाइक कि अब कुछ पेज टर्न हुआ है। 205 मिनट ओनली 2 स्टार्ट्स एंड यू टेल मी कि वो कैसे रुकेगा बार्सिलोना अगले साल, यू टेल मी। अब हर कोई बोल एंड इट्स सो शॉकिंग, इट्स सो एम्बैरेसिंग, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई कुमन कुड नॉट कंटिन्यू बार्सा में अगले साल, कि उसने इस क्लब को तार दिया कहीं ना कहीं लालिका में आके पहुंचा के, एंड अगेन यू कांट से कि वाज लकी, उसने गुदा दिखाया 18 साल की पेद्री पे, अंशु फाती पूरे साल इंजर्ड है, उसके ज्यादा मिनट्स हैं, ज्यादा स्टार्ट्स हैं रिकी पुज से, इट्स लेजिट प्राइम टाइम टू क्वेश्चन कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया रिकी पुज ने कि वो 15 मिनट भी नहीं खींचता अगेंस्ट अ टीम जिसको उसने लिटरली तोड़ा था। तो बच्चा ओले भी वेंदे भी को खिलाने लग गया, यहाँ पे तो खाना खजाना करा रहा है उसके साथ, संजीव कपूर बना रखा है यहाँ पे, लिटरली इज सैड टू सी एंड यू कांट इवन पोर्ट्रे कि ये तो ऐसे प्लेयर चलते नहीं, ये तो टेक्निकल प्लेयर हो गया नंबर 10, नहीं। मेसट ओजिल जब यंग था शाल्क, जब तुम यंग होते हो तुम में एनर्जी तो होती है, इसमें एनर्जी तो है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से नॉट प्रेसिंग, लेट्स से वो करता दबा के हमको पता है, बट इन टर्म्स ऑफ क्विकली रिलीजिंग द बॉल वो सब हरकतें करना, नॉट सेइंग कि ही वुड हैव चेंज द गेम, ऑब्वियसली मोरीबा के चांस, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग मोरीबा इन एनी वे, एंड ऑब्वियसली उस्मान देम्बेले ने हगा एंड दिस इज द सीजन फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना कुड हैव ड्रॉन द एल क्लासिको जब मोरीबा ने पोस्ट हिट किया था एंड में बिल्कुल, एंड मोरीबा देम्बेले नियरली वन द गेम। हैविंग सेड दैट, एटलेटिको मैड्रिड की यू कांट इवन क्रिटिक देम कि वो तो डिफेंसिव थे ना, दे हैड मोर ओपन चांसेस देन बार्सिलोना। जी हाँ, बोथ एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना ड्रॉप पॉइंट्स, नहीं तमीज से कोई 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 कुछ कुछ फायदा नहीं, लिटरली कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अगली गेम सेविया है तमीज से। बट इस गेम से पहले तुम्हें पता होगा, मुझे पता होगा, गुमन को पता होगा, फोन पे बैठे बातें कर रहा है, बट उसको पता होगा कि हेरमोसो आगे बढ़ता है, बींग अ विक सेंटर बैक, वाइट सेंटर बैक, वो आगे बढ़ता है, क्या उसका कुछ तोड़ है, क्या लेमार के अंदर जो हरकतें होंगी वो से करास्को के 1v1s, फिर हेरमोसो वो ब्लाइंड साइड रन निकाल रहा है, मिंगेजा के लड़े तो लगने निश्चित है जब लिटरली कोई सपोर्ट होगा भी नहीं। आई फेल्ट बैड फॉर मिंगेजा कि वॉज चेजिंग शैडोज कहीं ना कहीं, एंड इट मेड सेंस कि अराखो डिड वेरी वेल एंड अराखो ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड सेंटर बैक, हर किसी को पता है, लुक लाइक कि डिफेंसिवली कोई तोड़ नहीं था, इट वॉज सेम लाइक मैड्रिड डिड अगेंस्ट चेल्सी, मैड्रिड का तोड़ क्या था, टू कीप द बॉल, एंड बार्सा का तोड़ था टू कीप द बॉल, बट बार्सा लिटरली कुड नॉट कीप द बॉल विद इफेक्टिवनेस आफ्टर बुस्केट्स वेंट ऑफ। बुस्केट्स का जाना ऑल्सो मीन्स कि फ्रेंकी दियोंग वो नंबर 8 प्रेजेंस थोड़ी जो फाइनल थर्ड में वो सब हरकतें, वी सॉ कोपा दल रे फाइनल में, उसको भी उसका भी पीछे आना एंड रिप्लेसिंग हिम विद इलाइक्स मोरीबा, नॉट अ बैड चॉइस, बट इट कम ऑन अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड अगर ये मिडफील्ड 3 काफी टाइम तक खेलती है नहीं, एंड इट्स ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग बहन शोध कि बुस्केट्स जैसा प्लेयर जिसको 3-4 महीने पहले लोग क्रिटिक कर रहे थे कि मतलब बुस्केट्स ठीक है, भाग तो पाता नहीं, डिफेंसिव है, लायबिलिटी बनता है यार इसको भी ना, इसका टाइम आ चुका है, बहुत ये हो रहा था, एंड आफ्टर ही वाज गॉन लिटरली बार्सा वर नंब कहीं ना कहीं लिटरली, एंड मेसी वाज द ओनली वन वो सब हरकतें, अगर वो गोल हो जाता, अगर किसी सेंस से बोलो तो ये गेम वाज ओब्लैक वर्सेस टर स्टेगन या ओब्लैक वर्सेस मेसी, सही में ओब्लैक वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स ऑन द प्लेनेट भाई, खतरनाक, जितनी वन ऑफ चांसेस लिटरली सेट पीसेस पता नहीं कैसी कैसी चांसेस आई थी जो बिल्कुल गोल के सामने थी, जो लॉन्गले का ब्लॉक, जो हेरमोसो का ब्लॉक, वो सब हरकतें, इस गेम लिटरली नीडेड हल्का सा लक कि वो बॉल अंदर चली जाए क्योंकि चांसेस थी कहीं ना कहीं, एंड स्पेशली एटलेटिको मैड्रिड के हाफ में, बट बुस्केट्स, मैं नहीं कह रहा कि बुस्केट्स के होते वक्त बार्सा बहुत ब्रेक डाउन करती है एटलेटिको को, एंड उसके बाद भी ऐसे चांसेस ऑब्वियसली लेफ्ट पे बॉल अल्बा पे आई जाती है, वो क्रॉस डालता है, वो सब चीजें हो जाती है ठीक है, विच इज नॉट दैट ऑफ अ बिग डील, यानी काफी प्रेडिक्टेबल से बताऊं तो, बट इट्स सो फैसिनेटिंग कहीं ना कहीं, अच्छा वर्ड है कि बुस्केट्स जब बिल्डअप में होता है एंड ही इज लुकिंग आउट फॉर मेसी
एंड हिज कनेक्शन स्पेशली क्योंकि ये फ्रंट थ्री स्थापित हो चुका है, ये मिडफील्ड थ्री सॉर्ट ऑफ स्थापित हो चुका है। पेदरी की अंडरस्टैंडिंग है बुस्केट्स से कि कब ड्रॉप करना है, कब कम्युनिकेशन करना है एंड कब फ्रेंकी पेदरी कहां पे रहेंगे, उस सब बकचोदी। प्रॉपर फ्रंट थ्री की एक प्रॉपर फ्लुइडिटी बन चुकी है उस सेकंड लाइन को ब्रेक करने के लिए। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि एटलेटिको मैड्रिड एक प्रॉपर हार्ड वर्किंग टीम है। जो लेमार क्योंकि वो ऑब्वियसली काफी अच्छा था, ही वॉज स्टक इन साइड, अगर कोई एक्स क्योंकि ऑब्वियसली बार्सा डू द 4v3 वही बोरिंग चीज है, मेसी ड्रॉप करता जब वो सब हरकतें, एंड दे ट्राई टू कवर दैट पार्ट बिल्कुल हमेशा अच्छी तरह एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट वो सेंट्रल बॉल्स एंड वाई वोंट दे डू दैट। स्पेस खुलता हल्का सा डेस्क के लिए, टाइमिंग ऑफ प्रेस खतरनाक थी, शार्प थी, कारास्को लुक्ड ऑन पॉइंट अच्छी तरह, प्रॉपर चढ़ना टाइम पे एंड दिस इज कॉल्ड काउंटर प्रेसिंग एंड इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट्स व्हाई थोड़ी अर्जेंसी का केस आ रहा था क्योंकि बार्सा की तो ऑन पॉइंट नहीं थी, बहुत बोरिंग है, लेम लाइन है, बट दैट्स ट्रू। सिम्योनी इतना कंजूस और भड़वा है कि उसकी प्रेस भी कंजूसों वाली होती है। ही इज प्लेइंग लिटरली 2-1 फॉर एग्जांपल, ऐसे फ्रंट थ्री फॉर एग्जांपल मिंगेजा पे बॉल होगी वहां पर राइट हैंड क्योंकि बैक थ्री है बार्सा का, तो लेमार उस पर प्रेस करेगा एंड सुआरेस वुड लिटरली बी टास्क्ड एंड टास्क्ड टू लिटरली कवर सेंट्रल मिडफील्डर बुस्केट्स को कहीं ना कहीं। एक भारी सुआरेस, भारी भरकम एंड ऑल्सो ऑन द राइट साइड कोरिया जाएगा वहां पे एंड फिर सुआरेस। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग तीन बंदे जो प्रेस करेंगे नॉट ओनली इनके बैक थ्री को बट ऑल्सो कवरिंग सर्खियो बुस्केट्स, क्योंकि सिम्योने नहीं चाहता कि वो वेस्ट करे कोके को या योरिंते को बुस्केट्स पे प्रेस करने के लिए क्योंकि पेदरी और फ्रेंकी उनको ड्रिफ्ट अपार्ट कर रहे कहीं ना कहीं। इट्स इट वाज आल्सो शॉकिंग कि योरिंते प्लेड एक नंबर सिक्स कहीं ना कहीं एंड डिस्पाइट ऑफ दैट थोड़ी अर्जेंसी उसके नंबर एट्स, उसके वो वाइड रन्स एंड जो पेदरी भी इनिशियली कर रहा था, जब इनिशियली स्टार्ट गेम हुई थी मुझे लगा कि हाँ एक अच्छी गेम होगी लिटरली, बट काफी अब ब्रोकन डिसऑर्गेनाइज पैची गेम थी कहीं ना कहीं। तो दिस वॉज द गेम, एक डल गेम एंड इट लिटरली लुक्स लाइक बोरिंग लाइन है। नोबडी वॉन्ट्स टू विन द लीग बहन, किसी को ला लीगा जीतनी नहीं, सेविया को जिता दो एंड नहीं जीत रही मैड्रिड, नहीं चार गेम में बची है, अगली लास्ट गेम अगेंस्ट विलारियल है जो यूरोपा लीग फाइनलिस्ट है, बिलबाओ ग्रेनाडा यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनलिस्ट, ग्रेनाडा डिफीटेड बार्सिलोना, नहीं हो रहा, दिस लीग इज गोइंग वायर एंड तक। आई एम नॉट सेइंग कि बार्सा कांट विन द लीग क्योंकि मुझे नहीं पता बहन चोद, किसी को नहीं पता, इट्स अ शेम कि यहां तक क्योंकि एटलेटिको ने लिटरली पूरी लीग हगी है, सिम्योने ने पूरी लीग हगी है, अभी ये डिस्कशन हो भी नहीं रहा होता, वो लिटरली अभी तक इंटर कर चुका था, जो इंटर अभी सेरिया में कर चुकी है, बिल्कुल खार चुकी है बिल्कुल, ही कुड हैव डन दैट बट नहीं, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड अगेन एंड हिम नॉट बींग डग आउट में बातें छोड़ रहा है वहां पे 75th मिनट पे सर्खी रोबर्टो को बुलाना, यू नीड टू क्वेश्चन दैट, तुम कितना भी डिफेंड कर लो, कितना भी प्रेस कर लो कि उसने कितना आगे बढ़ा बार्सिलोना को, दीज बेसिक बकचोदियां नीड्स टू बी क्वेश्चन।